22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इस दिन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बताया जा रहा है कि यूपी की योगी सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। 16 जनवरी से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इससे पहले प्रतिष्ठा पूर्व अनुष्ठान के लिए मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा को चुना गया। आपको बता दें, अनिल मिश्रा ने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अयोध्या राम मंदिर में प्रतिष्ठा पूर्व अनुष्ठान मंगलवार 16 जनवरी को शुरू हो गया है। यह अनुष्ठान भव्य आयोजन से एक सप्ताह पहले शुरू हो चुका है। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अनुष्ठान के प्रधान पुजारी हैं। दीक्षित ने कहा कि पीएम मोदी प्रतिष्ठा दिवस अनुष्ठान के मुख्य यजमान होंगे। दरअसल संस्कृत में यजमान का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या संरक्षण से है जो अनुष्ठान का यज्ञ करता है। कौन है अनिल मिश्रा? अनिल मिश्रा सरकार द्वारा गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। अयोध्या के निवासी डॉक्टर मिश्रा पिछले 4 दशकों से शहर में अपना होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हैं। उनका जन्म यूपी के अंबेडकर नगर जिले में हुआ। कुछ साल पहले वो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार और गोंडा के जिले होम्योपैथिक अधिकारी के आधिकारिक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। RSS के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। 1981 में उन्होंने बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में डिग्री प्राप्त की। अनिल मिश्रा का RSS से पुराना नाता है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। मंगलवार को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अनुष्ठान शुरू हुए, मुख्य यजमान होने के नाते डॉक्टर मिश्रा ने सरयू नदी में डुबकी लगाई और फिर व्रत शुरू करने से पहले पंचगव्य यानी कि गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र लिया। फिर उन्होंने प्रश्यता संकल्प कर्मकुटी पूजा की, जिसके बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने हवन किया। आपको बता दें, मंदिर में कुल 121 पुजारी अनुष्ठान कर रहे हैं और वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविण इस पूरी कार्यवाही की देखरेख कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।